बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा मंगल प्रसंग चल रहा है। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शंकर अपने परम प्रियतम श्री रघुनाथ जी महाराज के पावन चरित्र को कहने जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि यह जो राम कथा है कामधेनु के समान सभी सुखों को देने वाली है और जो सत समाज है वह सभी देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर के कौन व्यक्ति है जो इस राम कथा को नहीं सुनेगा। भगवान शंकर माता पार्वती पर अति प्रसन्न है, उनकी बहुत प्रशंसाएं कर रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा दुर्दैनु समा सेवत सब सुख दानि रामा सेवत सब सुख दान। सत समाज सुर लोक सब कौन सुने अस जान सियावर राम चंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम। कथा सुंदरी करता ही संशय बिह करुणा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कलि मीट पे कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राम जय जय राम। ओ जटानंत राम भगवान तथा कथा कीर्ति गुण दाना सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ तदपि जता श्रुत जसिमति मोरी कही हव देखि प्रीति अति तोरी राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया।
राम कथा सुनाते हुए बाबा जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ावन हारी। अच्छा, कर तारी मतलब क्लैपिंग। क्लैपिंग इज अ वे टू इंट्रैक्ट और पे द अटेंशन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। तो जो हमारा मूल विषय है उसकी तरफ में हमारा ध्यान आकर्षित करना या उस विषय पर हमें ले जाना वह तारी है। हम किसी के भी ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हाथ से ऐसे ताली बजा सकते हैं। तो बाबा जी ऐसा कह रहे हैं कि यह जो राम कथा है वह सुंदर कर तारी है, हाथों की ताली है जो क्या करती है, हमारे मन के संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जो भी संशय हमारे मन में है उन सब संशयों को खत्म कर देती है। आगे राम कथा की महिमा बताते हुए कहते हैं, राम कथा तली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। कहे गिरिराज कुमारी, यह जो राम कथा है कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी का काम करती है। जो कलयुग के दोष हमारे भीतर में आ गए हैं उन दोषों को हटाने के लिए यह राम कथा रूपी कुल्हाड़ी बड़े काम की है। जब जब हम मानस को सुनेंगे तो वह हमारे कलयुग के दोषों का शमन करेगी, उनको शांत करेगी, इसलिए तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रघुनाथ जी महाराज के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी को अनगिनत कहा है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं उसी तरह उनकी कथा, उनकी कीर्ति और गुण भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण गाना, उसी प्रकार से उनकी कथा और कीर्ति भी अनंत है। लेकिन फिर भी आपकी अत्यंत प्रीति को देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। अब देखो भगवान शंकर वे भी ऐसा कह रहे हैं कि मैं मेरे बुद्धि के अनुरूप ही कह पाऊँगा, पूर्ण रूप से कथा को कह दूँ ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सबके उर प्रेरक रघुराई। तो जो रघुनाथ जी महाराज मुझसे कहाना चाहेंगे, जैसा शब्द मेरे मुंह से निकलवाएंगे, वैसी कथा मैं तुम्हें सुनाने का प्रयास करूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर है और कैसा है कि यह सुखदायक है, संतों के सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार हो गया जो तुमने मुझसे श्री रघुनाथ जी महाराज की कथा को पूछा है। अब देखो यहां भगवान शंकर
माता पार्वती की प्रशंसा करते करते उन्हें डांट भी रहे, फटकार भी रहे, किस बात को लेकर के वो अब यहां बताएंगे। बाबा कहते हैं, एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हूं भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव जरही मुनि ध्याना। लेकिन हे पार्वती, एक बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। यद्यपि वह तुमने मोह के वशीभूत होकर के कही है, तुमने जो ऐसा कहा कि ये राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान लगाते हैं। तो पार्वती, ऐसा तो वो लोग ही कह सकते हैं जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित हैं, जो पाखंडी है, जिनका भगवान के चरणों से लगाव नहीं है, जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते। ऐसे अधम मनुष्य ही इस प्रकार की बात को कह सकते हैं, और तुमने ऐसी बात कही, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पागंडी हरि वद विमुख जानहि जो धन साज सिया वर राम चंद्र वर जय धर राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया हो अज्ञय कौपिद अंधय भागी काही विषय मुखुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विषय की सपने संत सवार देगी काई दे वेदय संबत वानी जिनके सूजला बुरियानी मुकुर मलिन अरुणयन विहीनम राम रूप देखई कि मिदीनम जिनके अगुलन सगुन विवेक जल पै कल्पित वचन अनेक हरि माया बस जगत प्रमाय तिनहि कहत पछु अवगट नाय पादुल बोध विवद मत वारे ते नहि बोलै वचन विचारे जिन कृत महामोह मद पाना तिन कर कहा करे नहि काना राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम अस निज हृदय विचारे तजु संजय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी प्रभत मर विकर वचन मम राम राम जय राम सिया राम। अज्ञ अकोबिद अंध अबागी काही विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने उ संत सभा नहीं देखी। जो लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो लोग व्यभिचारी हैं, छली हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, वे लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। अच्छा, वे ही लोग ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिन्हें अपनी लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता है, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे ही बेचारे श्री रघुनाथ जी का रूप देख नहीं पाते हैं, जिनको निर्गुण और सगुण इसमें कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गणित बातें बनाते रहते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर के इस जगत में, जो कि जन्म और मृत्यु का एक चक्र है, घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे लोग कुछ भी कह डाले तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। वह जिसको ज्ञान नहीं है वह कुछ भी कह सकता है। अथवा वे लोग कौन से, जो बातुल भूत विवश मत वारे ते नहीं बोल ही वचन बिचारे जिन कृत महा मोह मद पाना तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग अर्थात सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, या जो भूत प्रेत के वश में हो गए हो, अथवा जिन्होंने किसी प्रकार का मद कर रखा हो, नशा कर रखा हो, ऐसे लोग बोलते समय विचार नहीं करते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा को पी रखा है, उनके कहने पर कभी कान नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, तुम अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो कि वे लोग ही भगवान के सगुण और निर्गुण रूप में अंतर मान सकते हैं जिन्होंने कभी भगवान की भक्ति न की हो, अथवा जिन्होंने कभी भूत प्रेत पिशाच के साये में आ गए हो, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई हो, वे लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं।
फिर बाबा ने माता पार्वती से कहा कि तुम अपने हृदय में से इस प्रकार का संदेह निकाल दो और श्री रघुनाथ जी महाराज के पावन चरणों का स्मरण करो, उनको पूजन करो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए यह राम कथा रूपी जो सुंदर वचन निकल रहे हैं, यह सूर्य की किरणों के समान हैं जो तुम्हारे इस ब्रह्म को, इस संशय को सर्वदा सर्वदा के लिए शांत कर देंगे। बड़ी सुंदर कथा प्रसंग चल रही है। भगवान शंकर के श्री चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार वंदन। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।